आज की बड़ी खबर ये सामने आई है कि LOC पर हमले के बाद भारत अब बलूचिस्तान पर हमले करने वाला है। भारत ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें कहा था गिलगित भारत का हिस्सा है और भारत इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सुना यही जा रहा है कि भारत ने एक मिसाइल भी दागा है गिलगित बलूचिस्तान की तरफ। अब तक क्या सूरत हाल है इसका हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहे। मोहतरम सामिन और नाजरीन, याद रहे कि इस वक्त गिलगित में हालात कशीदा बहुत हो चुके हैं। वहाँ अभी हाल ही इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में PTI को सबकत हासिल हुई है। भारत गिलगित की आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने में लगा हुआ है, लेकिन पाक फौज ने बार वक्त कार्रवाई करके भारत के नापाक मनसूबों पर पानी फेर दिया है। गिलगित में अभी फौज तलब की जा चुकी है जिसकी बदौलत भारत भी अब थोड़ा सा पीछे हट गया है। भारत ने LOC पर पाक फौज के खिलाफ छेड़छाड़ तो शुरू कर दी थी, मगर भारत अब चाहता है कि किसी तरह गिलगित पर भी कार्रवाई करे, मगर उसको मालूम है कि आगे से पाक फौज जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगी। LOC की अगर सूरत हाल बताएं तो इंडिया को बहुत भरपूर पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया और बहुत से फौजी जो हैं वो जहन्नम में वासिल हुए हैं, बहुत सी फौजी चौकियां भी तहस नहस कर दी हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो ये दावा कर दिया कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर के कई इलाकों में घुस चुकी है, जिसकी बदौलत भारतीय फौज के कश्मीर में मुमकिन रास्ते पाक फौज बंद करती जा रही है, और इसी दौरान अगर जंग भी हो गई तो पाकिस्तानी फौज कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई मिनटों में करके सब कुछ ख़त्म कर देगी। भारतीय अखबार टाइम ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले भी अपने फौजियों की मौत की खबर नशर की थी, भारत की जानब से इसे छुपाया जा रहा है। आप देखते रहे होंगे कि भारतीय मीडिया बहुत कुछ शोर शराबा तो करता है मगर अपने फौजियों की खबरें नशर नहीं करता, न ये बताता है कि हमारी फौजियों को क्या क्या नुकसान हुआ है। भारतीय फौज और उसकी हुकूमत के अब कान खड़े हो चुके हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर के काफ़ी सारे इलाके आ चुके हैं और बहुत से खुफिया फौजी अड्डे भी पाकिस्तान कश्मीर में बना चुका है। भारत हर तरफ से बेबास हो चुका है और भारत सोच रहा है कि अगर पाकिस्तानी फौज कश्मीर में घुस चुकी है तो हमारी जो फौज तैनात है वो बड़ी आसानी से पाकिस्तानी फौज का शिकार हो जाएगी, बड़ी आसानी से पाक फौज उसको टारगेट कर सकेगी। इसलिए वहाँ भारतीय फौज ने अपनी नकलो हरकत ज़्यादा बढ़ा दी है और वहाँ बहुत ज़्यादा अपने जानी माली नुकसान खतरे के पेश नज़र अपनी भी बहुत सी बेर के मज़ीद तैयार कर रही है। बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी अगर छेड़छाड़ हो जाए कश्मीर में तो हमें नुकसान ना हो, लेकिन भारत को पता नहीं अगर पाकिस्तानी फौज एक बार कश्मीर में घुस गए तो वापस नहीं आएगी और भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? जल्दी से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा कमेंट में लगा दें।